सब्सक्राइब करें गियरहेड चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गियरहेड। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज हमारे पास है FZS, यामाहा की FZS वर्जन 2.0 है। ये वर्जन 3 नहीं, ये ओल्ड मॉडल है, ये BS4 मॉडल है। तो आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स है और कैसी बाइक है ये, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम पूरा कंप्लीट डिटेल रिव्यू देखने जा रहे हैं। तो बात करते हैं इस बाइक की ओवरव्यू की। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखता है बाइक, इसमें हेलोजन बल्ब आता है और आगे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटा सा विंडशील्ड दिया हुआ है। इसमें नॉर्मल इंडिकेटर्स आते हैं। फ्रंट सस्पेंशन देख सकते हैं आप, मडगार्ड ग्रे कलर का, ये बाइक ग्रे और ब्लू कलर में है। और साइड से कुछ इस तरीके से आता है, ये एयर कूल्ड इंजन है। और इस बाइक का जो पॉइस्चर देख सकते हैं, ये बहुत ही एक अच्छी नेकेड बाइक बोल सकते हैं अपन। और इसके साइलेंसर भी देख सकते हैं, जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी से है। और साइड में ग्रैबलर्स देख सकते हैं आप, सिल्वर कलर के अच्छे ग्रैबलर्स मिल जाते हैं। और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्प्लिट सीट आता है और इसका सीट का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। और टायर भी देख सकते हैं बहुत ही वाइड है। और बता दूँ इसमें ये जो बाइक में ये जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली दूसरे मॉडल का लगा है इस बाइक, ये मॉडल के साथ आपको इसमें थोड़ा इसका जो लेंथ बड़ा साइज़ का वो आता है इसके साथ। तो चलिए बात करते हैं अब इस बाइक के इंजन की। इसका इंजन आता है 149 cc एयर कूल्ड इंजन आता है, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम आता है। और इसका जो मैक्स पावर है वो अराउंड 13 bhp एट 8000 rpm है। और जो मैक्स टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करती है वो है 12.8 Nm एट 6000 rpm। और बात कर लें हम इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो ये आता है 12 लीटर के साथ। और इस बाइक के अगर हम माइलेज की बात करते हैं, तो इसका माइलेज आता है अराउंड 45 km/h का इसका माइलेज आता है। और देख लेते हैं हम इस बाइक के डायमेंशंस का। डायमेंशंस को देखा जाए इस बाइक की, तो वो है लेंथ है इस बाइक का वो है 2073 mm, और विड्थ है इस बाइक का वो है 770 mm, और हाइट की अगर हम बात करते हैं इस बाइक का तो वो है 1050 mm। व्हील बेस की अगर बात करते हैं हम इस बाइक की, तो वो है 1330 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है आता है इस बाइक के साथ वो है 160 mm। और सीट हाइट बता दूँ इस बाइक का वो है 790 mm। और कर्व वेट है इस बाइक का वो है 132 kg। तो ये हो गया हमारे डायमेंशन इस बाइक के। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आगे में डिस्क ब्रेक आता है और रियर में नॉर्मल ड्रम ब्रेक आता है। तो इसमें ABS नहीं आता, बता दूं मैं आपको। तो इसका जो डिस्क है वो है 282 mm का आता है फ्रंट में, और जो रियर में जो ड्रम आता है उसका साइज़ है 130 mm। और इसके जो व्हील्स है वो अलॉय व्हील्स आते हैं, ऑब्वियस ही बात है। और इसका जो टायर्स के साइज़ है वो है 180/17 फ्रंट के, और रियर के हम टायर्स की बात करें तो ये है 140/60/17। और एक बात और बता दो टायर्स के, बाकी इस सेगमेंट में आप जो बाइक देखेंगे उसके कंपैरिजन इस बाइक के जो टायर्स है वो थोड़ा वाइड है। और देख सकते हैं इसका जो ये है, ये चीज़ कम है इसका, तो बहुत ही अच्छा ग्रिपिंग मिलता है इसकी वजह से। तो चलिए अब राइड करते हैं इस बाइक को, बाकी बातें उसी टाइम करते हैं। तो चलिए अब इस बाइक को अपन राइड करके देख लेते हैं कि किस तरीके से चलती है ये बाइक। तो इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करते वक्त आपको रेस नहीं देना है। और ये रहा इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड, आपको सुना देता हूँ। चलिए अब राइड करते हैं इस बाइक को। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बाइक का जो पिकअप है बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छे से ये पुल कर लेती है ये बाइक, जैसा कि आपने अभी देखा। और बाकी गाड़ियों के अगर कंपैरिजन करते हैं जो 150 सेगमेंट्स में आते हैं, आपको बाइक के बारे में बता दूं, पल्सर के कंपैरिजन इसका पिकअप बहुत अच्छा है। बाकी बात करें अगर हॉर्नेट जिक्सर्स, तो उसके जो CC इंजन की वो थोड़ा से ज़्यादा है, तो उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी बात करूँगा इस बाइक की, तो इस बाइक का पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। और सिटी में चलाने के लिए अगर आप ये बाइक लेते हैं तो नेकेड में बहुत अच्छी बाइक है। हैंडलिंग बहुत ईजी है इस बाइक का, आप एकदम कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, एकदम रफ एंड टफ टाइप की बाइक है। और चलाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हैंडल ग्रिल भी, हैंडल बार भी बहुत अच्छा वाइड है, और पकड़ने में थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और कॉर्नर्स भी आप जैसे देख सकते हैं, इस बाइक को आसानी से आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं, और बहुत ही फन है ये राइड
करने में इस बाइक में, बहुत ही फन राइड बाइक है ये एक तरीके से बात किया जाए। और सस्पेंशन की बात करें तो कंफर्ट ठीक है, नॉट दैट गुड, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से ठीक ही है जो बाइक देते हैं। और सीटिंग पोस्चर की हम बात करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, आप इससे टूरिंग भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एग्रेसिव बाइक्स जो आते हैं R15 वगैरह उसके कंपैरिजन आप देखते हैं तो नेकेड बाइक के हिसाब से इसका बहुत अच्छा सीटिंग पोजीशन है और बहुत ही मज़ा आता है अगर आप इस बाइक में राइड करते हैं तो। और इसे आप सिटी राइड क्लब जरूर प्रीफर कर सकते हैं। और इसका जो माइलेज है अराउंड आपको 45 जो कंपनी बोलता है तो 45-40 आपको दे देगा, सिटी क्लब बहुत बढ़िया है, 150cc में आपको मिल जाएगा। और बात करें इसके ब्रेक्स की तो फ्रंट ब्रेक ठीक है, उतना अच्छा नहीं है बोल सकते हैं, और रियर में तो ड्रम है तो उससे आप कुछ उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। और बात करूँ अगर ये बाइक को आप लेना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज पढ़ते हैं या आपको सिटी में राइड करना आता है तो सिटी के लिए बहुत अच्छी बाइक है, मैं बता दूँ आपको, बहुत फन रहेगा यानी बहुत मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में, क्योंकि इसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, जस्ट बेस्ट है बोल सकते हैं, अच्छा है। और इसमें 5-speed गियर बॉक्स आता है और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, आप आसानी से कहीं भी टर्न कर सकते हैं इस बाइक को। और इस बाइक का जो क्लच है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, बात करें अगर गियर की तो गियर थोड़ा एकदम ज़्यादा स्मूथ नहीं है बोल सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड है हल्का सा, और मेरे को थोड़ा लग रहा है कि गियर थोड़ा सा जो उसका लीवर है वो थोड़ा अपसाइड है, जिसकी वजह से गियर लगाने में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और अब बात करते हैं अगर आपको इस बाइक को लेना है, अगर आप पल्सर 150 या हॉर्नेट या कोई दूसरे बाइक से कंपैरिजन करते हैं तो हॉर्नेट वगैरह से ये बाइक देखा जाए तो थोड़ा लाइट वेट बाइक है, और पल्सर के कंपैरिजन इसका ये अच्छा है कि इसका जो डायमेंशन है और इसका जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा और मोर स्पोर्टियर बनाता है। पल्सर 150 आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा स्पोर्टियर नहीं लगता आपको लुक्स के कंपैरिजन, और उसका जो सीटिंग पोस्चर है इसके कंपैरिजन उतना अच्छा नहीं है, और सिटी उटी में राइड करने के लिए ये बहुत अच्छी बाइक है, बहुत फन है इस बाइक को लेने चलाने में। और जो प्राइस रेंज में ये बाइक आ जाती है वो भी अफोर्डेबल है, नॉट डैट मच। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो इसका एक और आ गया है सिबलिंग बोल सकते हैं, जो कि यामाहा MT-15 है, जो कि बेस है MT, उसका जो एल्डर ब्रदर आता है उसके बेस पे जो ज़्यादा सीसी का आता है हेयर सीसी, तो वो भी एक अच्छा चॉइस अगर आज के डेट पे आप अगर बाइक लेना चाहते हैं तो MT-15 150cc में। और अगर आपको नेकेड चाहिए तो बहुत अच्छी बाइक है, अगर आप सिंगल या डबल बैठ सकते हैं, अगर आप एक यंग जनरेशन और लड़के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बाइक है ये, और चलाने में बहुत ही फन है जैसा कि आप देख सकते हैं, आप एक्सीलरेट किया और आसानी से आपको एकदम बहुत ही अच्छा पुल मिल जाता है जैसे देख पा रहे हैं आप। टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक को उतना नहीं मिलेगा जैसा कि आप अगर कंपेयर करते हैं यामाहा की R15, तो उसमें आपको टॉप स्पीड अराउंड V3 की बात कर रहा हूँ तो उसमें टॉप स्पीड आपको अराउंड 140 मिल जाता है, लेकिन इस बाइक की टॉप स्पीड उतना नहीं मिलती, अराउंड 105-110 मिल जाता है, और गाड़ी के मेंटेनेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका जो टॉप स्पीड है। तो अगर आप क्रूज भी करते हैं तो इस बाइक को अराउंड 80-90 इजिली आप क्रूज कर सकते हैं इस बाइक को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रियर ब्रेक की बात करूं तो मैं जैसा देख सकते हैं ड्रम है तो उतना ज़्यादा नहीं लगता, तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा वीडियो बताइएगा आप कमेंट करके, और कैसी लगी आपको FZS, अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं उसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी BS6 वर्जन आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड प्रीफर करना चाहते हैं जो आपके बजट में आ जाए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आपके लिए फ़ायदेमंद रहा तो कोई और अगर आप का दोस्त है या कोई है जो अगर सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहता है, यूज्ड बाइक लेना चाहता है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको बाइक, अगर आपके पास भी है तो इसका माइलेज क्या देता है, और अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके बता सकते हैं जो कि हेल्पफुल रहेगा और जो दूसरे व्यूअर्स को देखने के लिए। तो यही था आज का हमारा वीडियो, अच्छी लगा मेरे को, खुद को पसंद है बाइक क्योंकि इसका जो इंजन है बहुत ही रिफाइंड है, और इसका जो नॉइज़ है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो 150 सेगमेंट्स में मेरे को बहुत पसंद आता है। और बाकी बाइक्स की अगर बात करूँ मैं 150 सेगमेंट्स में, उनका जो लुक्स है उतना इसके कंपैरिजन नॉट डैट गुड,
सब बाइक से नहीं बात कर रहा, कुछ कुछ बाइक से, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है 150 सेगमेंट्स में। अगर आप एक कॉलेज बॉय हैं तो बहुत अच्छी बाइक हो सकती है आपके लिए। तो यही था आज का हमारा वीडियो, बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।